गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, लेट कंटिन्यू विद आवर टुडेज लेक्चर. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी आ सिक्स लेसन विच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. हमने थोड़ा सा देखा था इंडेक्स मतलब क्या, और प्रैक्टिस से 26 हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था. सेकंड करने वाले थे लेकिन शायद से वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए हमने नहीं किया. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट. सो इंडेक्स मतलब आपको बताएं, रेस टू रे, जैसे 2:8, 3:9 ऐसे कुछ रहते हैं, उसे कहते हैं इंडाइसेस. ओके, जो ऊपर रहता है, अब यहाँ पे देखो 2:8 है, ऊपर रहता है उसे कहते हैं इंडेक्स, नीचे रहता है उसे कहते हैं बेस. ओके, जो नंबर रहता है उसे कहते हैं बेस, और उसके नंबर के ऊपर जो रहता है नंबर उसे कहते हैं इंडेक्स. ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, बेस एंड इंडेक्स. ओके, फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस है 26 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. अभी फर्स्ट वाला क्या है, 2:10, मतलब हमें 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, तो 2 को हमें 10 बार मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें आंसर फाइंड करना है. तो बहुत बड़ा वाला नंबर है, मोस्टली आपको नहीं आता. अभी ये 2 है, 2 बहुत इजी रहता है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसके लिए आपको 2 दिए. ओके, सो करते हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 4 128. ओके, यहाँ तक आ गए हम. 128 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना आएगा, देखो आपको ऐसे आगे आगे सॉल्व करते जाना है. 2 8 16, 1 6 यहाँ पे, 2 2 4, 5, 2 1 2, 256. 256 मल्टीप्लाई 2, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है. 2 6 12, 2 5 10, 11, 1 1 यहाँ पे, 2 2 4, 1 5, फिर से लास्ट 2, फिर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10. तो आंसर क्या आ गया, 1, सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं, शायद से देखा नहीं, 120 है. देखो फिर से करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 24, 24 2 1 20, सॉरी फिर से करते हैं, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 120, 8 हमें यहाँ तक मिल गया 120. अभी ये 2 लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 256 आंसर आ गया. फिर इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 512 आ गया, और इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1024 आंसर आ गया. तो फाइनल आंसर क्या है, 1024. ये आपको रफ में करना है. ओके, अब हम देखते हैं सेकंड आपको होमवर्क के लिए. आई एम रिपीटिंग, ये जो सेकंड वाला है वो आपको होमवर्क के लिए. थर्ड वाला -7/4, अभी -7 को हम 4 बाय मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1, 2, 3, 4. ओके, तो ये जो माइनस, यहाँ का माइनस माइनस कट हो गया, माइनस माइनस कट हो गया. अभी इम्पोर्टेंट, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में ही माइनस कट कैंसिल हो जाते, एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस कैंसिल नहीं होती. अभी यहाँ पे एडिशन कैंसल, जो माइनस है वो कैंसल नहीं हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया. ओके, ये दो माइनस करके प्लस हो गया, ये दो माइनस करके प्लस हो गया, ये जो सिंबल है ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया. अगर 3 टाइम्स होता तो एक कैंसल हो जाता, एक कैंसल नहीं होता. ओके, यहाँ पे 4 है, मतलब ये 1 और ये दो मिलके एक हो गए, ये दो मिलके एक हो गए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया. समझा आपको,
तो वैसे आपको करना. और जब डिवीजन रहता है, अगर ऐसे रहता, फॉर एग्जांपल ऐसे रहता -7/-7, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और यहाँ पे माइनस माइनस डिवीजन में ऐसे कैंसिल हो जाते हैं. ओके, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, एडिशन होगा तो आप ऐसे मत करो कैंसिल. माइनस कैंसिलेशन सिर्फ डिवीजन में होता है, और मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल नहीं होता, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है. ओके, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाते. अगर थ्री माइनस रहती, ये वाला नंबर नहीं रहता, सिर्फ तीन बार रहता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये प्लस नहीं होता, तो जो भी आंसर आता वो माइनस में आ जाता. ओके, तो यहाँ पे फोर टाइम्स है, इसके लिए वो कट हो गए. तो देखते हैं, सो सेवन सेवन जा, यहाँ पे करते हैं, सेवन सेवन जा 49, 49 सेवन जा 343 आता है, कितना 343 आएगा. सेवन सेवन जा 49, 49 सेवन जा 343, 343 सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं हम, सेवन थ्री जा 21, सेवन फोर जा 28, 29 30, थ्री कैरी जीरो है यहाँ पे, सेवन थ्री जा 21, 22, 20, 24, 2401. तो आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर 2401. ओके, तो आपको आगे की भी सम ऐसे ही सॉल्व करने हैं, अभी सब मैं नहीं करूँगी. देखो बहुत इजी है, अब देखो यहाँ पे ये भी सेम है, ये दोनों सेम है, सिर्फ रेस टू से फोर है, यहाँ पे रेस टू थ्री है, तो माइनस सिक्स को तीन बार मल्टीप्लाई करना है. ओके, यहाँ आपको नाइन को थ्री बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ एट को सिर्फ एक बार ही लिखना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं है. अब देखते हैं सेवेंथ, सेवेंथ बहुत ईजी है, देखो अब देखते हैं सेवेंथ वाला. सेवेंथ और एट सेम है, तो आप कर लो, मैं सेवेंथ वाला कर रही हूँ आपको एट वाला होमवर्क के लिए. सेवेंथ वाला क्या है, 4/5 raised to 3, तो आपको ये थ्री बार मल्टीप्लाई होगा, तो 4/5 multiply 4/5 multiply 4/5, तो 4 को हम थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 2, 3, और नीचे 5 को थ्री बार मल्टीप्लाई होगा. 4 4 16, 16 4 64, तो क्या आ गया 64, 5 5 25, 25 5 125, तो ये आपका फाइनल आंसर. ओके, तो एट वाला भी सेम है, एट वाला मैं आपको आधा सम सॉल्व करके दिखाती हूँ. अभी माइनस सेवन का हमने कैसे किया, देखो माइनस सेवन का फोर बाय माइनस आता था, इसके लिए हमने ऐड, देखो फोर बाय माइनस आता था फोर टाइम, तो हमने ये दोनों को ऐड, ये दोनों को ऐड ऐसे कंसीडर किया. देखो आपको मैं आधा सम सॉल्व करके दिखाती हूँ, मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, 1/2 raised to 4 ये आपका क्वेश्चन है, तो -1/2 multiply -1/2 multiply -1/2 multiply -1/2 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो आपको क्या आएगा, 1 multiply 1 multiply 1 multiply 1 into 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. अभी जो फाइनल आंसर होगा बहुत इजी है, अभी एट वाला तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो आंसर क्या आ गया, 1/6, ये आ गया आपका फाइनल आंसर. तो इस तरह हमारी प्रैक्टिस सेट 28 ख़त्म होती है. यहाँ पे आपको होमवर्क सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, आई एम रिपीटिंग, सेकेंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ होमवर्क के लिए है. एट वाला भी था लेकिन वो मैंने सॉल्व कर दिया, तो इसके लिए आपको ये वाला होमवर्क के लिए प्रैक्टिस सेट 26 हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए. अब हम देखते हैं 20 प्रैक्टिस सेट 27, इसके पहले कुछ देखते हैं. अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस विथ सेम बेस. ओके, बेस क्या रहेगा, सेम, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे.
मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स विद द सेम बेस. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, देखो 2 raised to 4 मल्टीप्लाई 2 raised to 3. यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 2 raised to 4 मतलब आप 2 को 4 बाय मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 हो गया. उसके बाद 2 raised to 3 दिया है और फिर से 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, और इसको सबको आप नॉर्मल हमने जैसे ऊपर किया यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे करना है, मल्टीप्लाई करना है. ओके सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, हमें फिर से रेस टू करना है मतलब नॉर्मल करना है. देखो तो कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 raised to 7 आ गया. इससे सिंपल एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है देखो, 2 raised to 4 मल्टीप्लाई 2 raised to 3 आपका क्वेश्चन है. तो आप क्या करोगे, 2 है वो कॉमन लिखोगे, जो 2 है वैसे लिखोगे, और ऊपर 4 plus 3 जो आपका इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स यहाँ पे 4 3 जो इंडेक्स है उसको आप ऐड करके 2/7 लिखोगे. देखो आंसर तो सेम आ गया, 2/7 2 raised to 7. फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिखवा के देती हूँ, अब फॉर्मूला लिखो. ये आपका फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉर्मूला क्या, m raised to n मल्टीप्लाई m raised to n इज इक्वल टू m n plus n. ओके क्या है, m raised to n upon m raised to n होगा, n को आपको प्लस करना है. फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जाम्पल रहते हैं 3 लेते, 3 raised to हम रहते हैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 raised to 4, ये हमारा m हो गया, हमारा n हो गया. तो क्या फॉर्मूला है, m मल्टीप्लाई m तो क्या आएगा, एक बार m मतलब जो 3 है वो वैसे के वैसे आएगा, और n प्लस m मतलब 4 प्लस 4 हो जाएगा. तो कितना आ गया आपका, 4 प्लस 4 8 हो गया, तो 3 raised to 8 आपका आंसर है ना, इजी, एकदम इजी. अब तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, अब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा. तो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, ये कौन सी है, प्रैक्टिस सेट 27. फर्स्ट क्या है, 7 raised to 4 मल्टीप्लाई 7 raised to 2 है, तो क्या होगा, 7 4 plus 2, 7 4 plus 2 कितना, 7 आ गया. तो आंसर क्या होगा, 7 raised to 7. इजी है ना. अब सेकेंड वाला देखते हैं क्या है, देखो -11 raised to 5 मल्टीप्लाई -11 raised to 2. अभी मैंने क्या कहा आपको, जब माइनस माइनस होगा तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस, राइट. तो क्या होगा, 11 5 plus 2 कितना हो गया, 7. यहाँ पे सॉरी 4 plus 2 6 हो जाता है, यहाँ पे आंसर आपको 6 आएगा, ऊपर 7 raised to 6 आएगा, और यहाँ पे 5 plus 2 7 हो गया, तो 11 raised to 7. अब मैं थर्ड वाला आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, 6 raised to 7 upon 3 मल्टीप्लाई 6 raised to 7 upon 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, एक बार हम 6 raised to 7 लिखेंगे और जो ऊपर का इंडेक्स है वो हम ऐड करेंगे. तो इंडेक्स क्या है, 3 एंड ये 5 है, तो ऐड क्या होगा, 3 plus 5. तो आंसर क्या आएगा, 6 upon 7 raised to 5, 3 plus 5 कितना, 8. तो आंसर क्या आएगा, ये क्या आएगा, 6 raised to 7 upon 8. सिंपल है. तो मैंने अभी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सॉल्व किया, आपको फोर्थ
फिफ्थ और सिक्स सॉल्व करने, सेम है. आपको क्या यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो माइनस माइनस दो बार है तो प्लस हो जाएगा, तो थ्री इंटू थ्री अपॉन टू क्या आएगा, फाइव प्लस थ्री. फाइव प्लस थ्री कितना हो गया, वो आपको ऐड करके लिखना है. अभी ए 16 प्लस सेवन ऐड करना है आपको, यहाँ पे सेम पी अपॉन फाइव और आपको थ्री प्लस सेवन ऐड करना है. सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे जैसे किया सेम वैसे ही करना है. अभी हमने फोर प्लस टू किया, फाइव प्लस टू किया, देखो फाइव प्लस टू किया, थ्री प्लस फाइव किया, सेम आपको आगे करना है. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने सॉल्व किया है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपको सॉल्व करना है. तो मल्टीप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम देखेंगे डिवीजन. अब डिवीजन के, डिवीजन ऑफ इंडेक्स फॉर्म विद द सेम बेस, जब सेम बेस होता है उसका डिवीजन कैसे हो जाता है. अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, सिक्स रेस टू फोर डिवाइड बाय सिक्स रेस टू टू. ओके सिक्स, तो हम डिवीजन में कैसे लिखते हैं, सिक्स अपॉन ऐसे लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे, सिक्स रेस टू फोर अपॉन सिक्स रेस टू टू इज इक्वल टू सिक्स को फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स को टू टाइम मल्टीप्लाई करेगी. अभी यहाँ पे सेम होगा तो कैंसिल हो जाता है, राइट. तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे टू टाइम सिक्स कैंसिल, यहाँ पे टू टाइम सिक्स कैंसिल, तो कितनी बार, दो बार सिक्स रहे, तो सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स, तो क्या आ गया, सिक्स इज टू टू आ गया. इसका सिंपल मेथड क्या है, आपको ये जो होगा इसको आपको फोर माइनस सिक्स, मतलब जो बेस इंडेक्स होगा वो आपको माइनस करना है. मल्टीप्लीकेशन में हमने ऐड किया था, यहाँ पे हमें माइनस करना है. अब यहाँ पे क्या है, फोर माइनस टू करेंगे तो जो आंसर आएगा वो, तो इसका फॉर्मूला लिख लो क्या है, वो डिवीजन, डिवीजन का क्या फॉर्मूला है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला मैंने दिया था आपको, अब हम डिवीजन का देखते हैं. ए ए यहाँ पे m और यहाँ पे n कंसीडर करते, तो क्या आएगा, a m माइनस n. समझा आपको, ये आपको एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया था तो वही लेते हैं हम. क्या दिया था, सिक्स अपॉन फोर डिवाइड बाय सिक्स अपॉन टू, ये आपको दिया था, राइट. तो क्या होगा, आप कैसे करोगे, जो सिक्स है वो नॉर्मल लिखोगे, एम माइनस एम मतलब फोर माइनस टू करोगे, फोर माइनस टू तो कितना आ गया, फोर माइनस टू कितना आ गया, टू. तो आंसर क्या आ गया, सिक्स रेस टू टू. तो सेम आपको सॉल्व करना है, तो हम अभी करते सम तो हमें समझ में आ जाएगा. तो हम देखते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 28. तो फर्स्ट वाला क्या है, सिंप्लीफाई करना है हमें, मतलब सिर्फ यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हमें, नॉर्मल लेटर्स दिए ए बी ऐसे करके. तो फर्स्ट वाला ए सिक्स डिवाइड बाय ए फोर दिए, तो हम कैसे करेंगे, ए सिक्स माइनस फोर कितना आ गया, सिक्स माइनस फोर कितना आ गया, टू, तो ए अपॉन टू. सेकेंड वाला आपको होमवर्क के लिए, थर्ड वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फोर्थ वाला आपको होमवर्क के लिए. थर्ड वाला पी रेस टू थ्री डिवाइड बाय पी रेस टू थर्टीन, पी थ्री माइनस थर्टीन कितना आ गया, पी माइनस टेन, क्योंकि क्या माइनस थ्री बड़ा नंबर है, तो क्या आएगा माइनस टेन, थ्री माइनस थर्टीन माइनस टेन. सेम थर्ड वाला है, फाइव माइनस एट करोगे आप तो माइनस फाइव, फाइव में से मतलब एट में से आप जब फाइव निकालोगे तो थ्री आता है, तो माइनस थ्री आएगा आंसर. ओके, फोर्थ वाला जीरो आएगा, तो आप कर सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट और थर्ड मैंने सॉल्व किया है, सेकेंड और फोर्थ आपको सॉल्व करना है, इजी है. अभी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फाइंड द वैल्यू. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट वाला देखते हैं. फर्स्ट वाला क्या है, माइनस सेवन अपॉन ट्वेल्व डिवाइड बाय माइनस सेवन अपॉन ट्वेल्व. अभी यहाँ पे ऑब्वियसली जीरो आएगा, तो माइनस माइनस है तो हमने उसे कट किया, मतलब एड डिवाइड में हम, मैंने क्या बोला था, माइनस माइनस कट हो जाते, समझा आपको, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, कट हो गए,
हो जाएंगे, डिवीजन में कट हो जाते और मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस ऐड होते। ओके तो यहाँ पे कट हो जाएंगे राइट। तो 7, 12 माइनस 12 कितना 0, तो क्या आएगा ओनली 7। सेकेंड वाला क्या है 7 रेज़ टू 5 डिवाइड बाय 7 रेज़ टू 3, तो क्या आएगा 7, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या आ गया 7/2। बहुत सिंपल है, आगे के आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड वाला मैं सॉल्व करती हूँ, फोर्थ वाला आपको सॉल्व करना है। 4/5 रेज़ टू 3 डिवाइड बाय 4/5 रेज़ टू 2। अभी आपको क्या करना है 4 रेज़ टू 5, 3 माइनस 2 होगा क्या आ जाएगा 1, तो 4/5 1 आएगा तो 1 नहीं लिखेंगे। हाँ अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों सेम टू सेम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये दोनों कैंसल हो जाएगी। ओके सेम वैल्यू, नीचे की भी सेम है ना, तो दोनों 12 ऊपर के 12 और नीचे के 12 सब कट हो जाएंगे 7 से, तो यहाँ पे आंसर 7 में आपका आएगा 1, 0 नहीं आता तो आंसर आएगा 1। अभी आपको दिखाती हूँ, अब आप बोलोगे मिस कैसा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है 7 12 बार लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी मैं आपको सब 12, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल समझा रही हूँ कि वहाँ पे 1 कैसे आंसर आएगा। अभी यहाँ पे हम लेते हैं 6 रेज़ टू 3 डिवाइड बाय 6 रेज़ टू 3। अभी यहाँ पे हम ऐसे सॉल्व करके देखते हैं, 6 रेज़ टू 3 मतलब 6 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम 6, यहाँ पे भी 6 3 टाइम आएगा, 1 2 3। अब यहाँ पे कट हो जाएगा राइट, यहाँ पे 1 कट 1 2 3 कट 1 2 3 कट, सब कट हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 राइट। तो वही पे 7, वहाँ पे भी सेम है प्रैक्टिस से। 28 क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट वन का क्या है, -7/12 डिवाइड बाय -7/12। अभी ऊपर के 12 7 कट हो जाएंगे, ऊपर के 12 7 कट हो जाएंगे, नीचे के हम जो 12 बार 7 लिखेंगे वो कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1। ओके तो ये जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट, इसका आंसर आएगा 1। ओके तो यहाँ पे हम 28 एक्सरसाइज खत्म करते हैं, प्रैक्टिस सेट जो 28 वो भी हमने खत्म की। यहाँ पे फर्स्ट मैंने किया, सेकंड आपको होमवर्क के लिए, थर्ड मैंने किया, फोर्थ आपको होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने सॉल्व किया, फोर्थ आपको होमवर्क के लिए, ये जो फोर्थ है वो आपको होमवर्क के लिए, वो सिंपल है 7 - 5 करने आपको, बहुत सिंपल है, तो वो आपको होमवर्क के लिए। ओके देन स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।